ये क्लच को मैंने दबाया तो भाई ये सीधा अंदर चला गया, क्लच में प्रेशर ही नहीं है। तो भाई क्लच में जो प्रेशर आना चाहिए वो प्रेशर आ नहीं रहा है। इसमें देखते ऑयल तो भाई फुल है भाई, हो सकता है ऑयल भाई, ऑयल तो भाई एकदम सही है, एकदम सही है भाई। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स आपने जो है वीडियो देखा, अभी 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, 3 दिन पे शायद अपलोड किया था, 3 दिन पहले अपलोड किया था शायद। टाटा टेल्कोलाइन 4x4 जो अभी मेरे पास पड़ी हुई है उसका जो है 4x4 सिस्टम बिगड़ा पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने टेम्पररी उसका जो है 4x4 का रोड निकाल दिया। आई थिंक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम तो इसमें है ही, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है क्लच का, क्योंकि इस गाड़ी का जो है क्लच बार बार जो है फ्री हो जा रहा है। मतलब क्लच में जो प्रेशर आना चाहिए ना वो प्रेशर गाड़ी के क्लच में आ नहीं रहा है। तो कभी कभार क्या होता है, इसका जो 4x4 सिस्टम है ना वो पूरा क्लच पे निर्भर होता है। अगर क्लच में सही से प्रेशर ना आए तो भाई गियर लगना थोड़ा मुश्किल है। अभी समझ लो अपना जो नॉर्मल गियर होता है, तो नॉर्मल गियर भी अभी अपन जो लगाते हैं तो उसके लिए क्लच अपना सही होना ज़रूरी है। अगर क्लच सही नहीं होता तो भाई अपना गियर जो है नहीं लगेगा। तो ये तो 4x4 का सिस्टम है, तो 4x4 के सिस्टम के लिए भाई प्रॉपर मतलब जो होना चाहिए क्लच का परफॉर्मेंस वो होना चाहिए, तो तभी ये वर्क करेगा अच्छी तरीके से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्लच की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो अपना 4x4 का लीवर अटक रहा है या फिर 4x4 से 4x2 में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी दिक्कत एक्चुअली में क्या हो रही है। तो भाई ये देखो, ये आप इसका क्लच देखो, ये क्लच को मैंने दबाया तो भाई ये सीधा अंदर चला गया, क्लच में प्रेशर ही नहीं है। देखो ये वापस, इसको मैं उठाता हूँ, वापस से प्रेस किया अंदर चला गया। तो भाई क्लच में जो प्रेशर आना चाहिए वो प्रेशर आ नहीं रहा है, जिससे कि प्रॉब्लम ये हो रहा है। आई थिंक यहाँ से जो होता है अपना 4x4 सिस्टम ऑन, और अभी जो है हमने इसका रॉड निकल के इसका काम तमाम कर दिया 4x4 का, अभी 2x2 में हमने कुछ भी जुगाड़ उगाड़ करके गाड़ी को ले लिया है, लेकिन ये क्लच का जो है भाई दिक्कत इसमें है। तो अभी अपन पहले चेक करते हैं कि इसमें ऑयल कितना है, क्लच ऑयल है या नहीं है। अगर क्लच ऑयल नहीं है तो फिर डालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि प्रेशर क्यों नहीं बन रहा है भाई। और फिर अगर कोई बड़ी दिक्कत होगी तो भाई क्लच प्लेट वगैरह चेक करवाएंगे, प्रेशर प्लेट वगैरह चेक करवाएंगे, क्या दिक्कत है क्या नहीं, उसके बाद वापस से हम 4x4 में इसको एंगेज करके देखेंगे। तो फिलहाल अभी चेक करते हैं कि बोनेट खोल के, यहाँ से जो है भाई इसका बोनेट खुलता है, इसके बोनेट को ओपन करके अभी देखते हैं क्या मामला है। तो भाई देखो हमने इसका जो है अभी बोनेट ओपन कर दिया है। ये जो है इसका ब्रेक फ्लूड इसमें आता है, और इसमें आता है भाई इसका क्लच का। तो इसको एक बार ओपन करते हैं भाई, ये बहुत टाइट हो गया, पता नहीं कैसे टाइट हो गया। लेकिन तो देखो फ्रेंड्स अभी हमने इसको खोल दिया है, इसमें देखते ऑयल तो भाई फुल है भाई, ऑयल तो एकदम बढ़िया है क्लच में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, ऑयल तो भाई एकदम सही है, एकदम सही है भाई, मात्रा भी पूरी पूरी सही है। ढक्कन गिर गया, ऑयल एकदम प्रॉपर मात्रा में है। तो भाई अभी ये दिक्कत क्या हो रही है यार, अभी कोई अंदर पंप में दिक्कत हो सकती है नीचे से, ऑयल तो एकदम परफेक्ट है इसमें। फ्रेंड्स अभी ऑयल का लेवल जो है हमने चेक किया, ऑयल का लेवल एकदम बराबर है, यहाँ से ऑयल मतलब कम नहीं हुआ है, कहीं पे लीकेज नहीं है। तो भाई ऑयल यहाँ पे एकदम भरा हुआ है, मतलब उसका मतलब भाई प्रेशर जो है वो नहीं बन पा रहा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लोचा है। तो अभी हमें उस चीज़ पे जो है काम करवाना पड़ेगा इस गाड़ी में। तो भाई देखो भाई धूप बहुत है, मैं एक बार गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। गाड़ी के अंदर क्या होगा, आपको भाई बाहर का नॉइज़ भी नहीं आएगा और मेरी बात आपको सुनाई देगी अच्छी तरीके से। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, ये जो गाड़ी है ना टाटा टेल्कोलाइन 4x4 है, ये गाड़ी रिलायबल बहुत है फ्रेंड्स। इसके मतलब अगर पार्ट्स में कोई दिक्कत विक्कत है तो भाई मतलब आप थोड़ा बहुत ढूंढते हो तो आपको मिल जाएंगे पार्ट्स, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके पार्ट्स को ढूंढना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुडमा पे भी अवेलेबल है, आप एक बार देखोगे
तो ये गाड़ी जो है, मतलब अभी हम लोगों ने इसको चलाया नहीं है, बहुत टाइम से गाड़ी जो बंद पड़ी हुई थी, मतलब इस पर कोई काम ही नहीं कर रहा था, और लॉकडाउन के बाद भाई बहुत कम चली है गाड़ी। गाड़ी को मतलब 2008 का मॉडल है, तो भी आपको मैं बताता हूँ 1,17,964 किलोमीटर ही गाड़ी मेरी घूमी हुई है। मतलब आप बताओ कि भाई टाटा के इंजन के लिए भाई ये आंकड़ा कोई मायने ही नहीं रखता। अभी तो गाड़ी का इंजन जो है नया, ऐसा बोल सकते हैं अपन, इन इंजन्स को भाई 3-4 लाख किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है। अभी तो 1 लाख किलोमीटर चली है गाड़ी, ऑलमोस्ट समझ लो 1,17,000 जैसा कुछ चली हुई है, 1,18,000 समथिंग समझ लो आप। तो भाई ये गाड़ी में कोई ऐसा अभी तक मोटा खर्चा नहीं आया है। 1 लाख चलने के बाद इसके क्लच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, वो भी सॉल्व हो जाएगा भाई, कॉमन बात है, आएगा ही आएगा। लेकिन गाड़ी का जब भी हमने यूज़ किया है भाई, एकदम एकदम मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इसका यूज़ किया है, लगेज भरने में या फिर कुछ लोड करना हो गाड़ी में, तो भाई गाड़ी ने पूरा पूरा जो सपोर्ट दिया है। और गाड़ी का पावर जो है ना, वो भाई बहुत अच्छे से काम करता है, माइलेज भी गाड़ी अच्छी देती है। 4x4 है तो भी भाई गाड़ी बहुत बढ़िया माइलेज निकाल के देती है, 15-16 का माइलेज ही आराम से देती है, अगर हाईवे पे जाती है तो प्यार से देती है भाई। और इसका इंजन भी 2 लीटर का है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग लीटर का इसका इंजन है, तो भाई पावर भी अच्छी खासी है, टॉर्क भी अच्छा खासा है, तो भाई गाड़ी अफोर्डेबल है, रिलायबल गाड़ी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक गाड़ी इतनी पुरानी हो चुकी है, 2008 मॉडल है, तो भी भाई इसने अभी कभी इसने भाई अभी तक इतना मोटा खर्चा नहीं कराया जिससे कि हमें लगे कि भाई गाड़ी जो हमें भारी पड़ रही है। गाड़ी का थोड़ा बॉडी बॉडी मतलब थोड़ा जंग वंग लग चुका है बॉडी पे, लेकिन वो जो है भाई काम उसका हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गाड़ी का आपका इंजन जो है वो अच्छा होना चाहिए। गाड़ी का ये गाड़ी का इंजन जो है भाई बहुत बढ़िया है। एक बार इसको मैं पूरा मतलब गाड़ी को हाथ में लिया है अभी, तो गाड़ी को पूरा अपन बढ़िया से बनाएंगे, आपका सपोर्ट मिलता रहे। देखो ये मैंने कभी मतलब यूट्यूब पे मैं जाता हूँ, टाटा टेल्कोलाइन लिखता हूँ, तो मुझे टेल्कोलाइन पे इतनी डिटेल में कभी मेरे को जो वीडियो देखने को नहीं मिली यूट्यूब पे। तो मैं सोचा कि भाई मेरे पास ये गाड़ी है, तो मैं इसको यूट्यूब पे भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको अगर मज़ा आता है, आप ऑफ रोड कार लवर हो, पिकअप ट्रक लवर हो, तो भाई आपको ये गाड़ी के बारे में आपको पता ही होगा। तो उसके हिसाब से जो है मैंने इस गाड़ी को यूट्यूब पे आपके साथ शेयर करना शुरू किया कि मैं कुछ कर रहा हूँ इस गाड़ी पे, तो मैं आप जैसे कार लवर्स के साथ ये गाड़ी की जो मतलब प्रोसेस में कर रहा हूँ इसको बनाने की, वो आपके साथ शेयर करो। जो है आपको इसका डिटेल रिव्यू भी दूंगा कि ये गाड़ी कितने साल से मेरे पास है, मैं कैसे इसको चला रहा हूँ, मेरे पास ये कैसे आई, तो ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका पूरा मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कितने सीसी का इंजन आता है, क्या नहीं, क्या सीटिंग कंफर्ट कैसा है, स्टीयरिंग कैसा है भाई, परफॉर्मेंस कैसा है, पावर कैसी है, मैं सब आपको जो है डिटेल में बताऊंगा। तो आज का वीडियो मैंने इस प्रॉब्लम पे बनाया क्योंकि अभी जल्दी इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन, तो आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बताना ज़रूरी था। तो अभी जो है इसका प्रॉब्लम जो कच क्लच का, सबसे पहले जो अभी इसका हम क्लच का प्रॉब्लम जो वो सॉल्व कराएंगे 1-2-3 दिन के अंदर, मेरे को भी थोड़ा काम है अभी, तो वो काम निपटाऊंगा, उसके बाद फिर गाड़ी को मैं हाथ में लूँगा। तो भाई इसका काम अभी करते हैं, तब तक आप बने रहिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी कार आपको अच्छी लगी है, मेरी गाड़ी आपको अच्छी लगी है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जिससे कि भाई आप जैसे दूसरे कार लवर्स के पास जो है इसका वीडियो पहुंचे और वो लोग भी जो है वीडियो देख के एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।